सारा साल उन्हें पढ़ाते रहते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे महसूस हो सके। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो बच्चों को हम एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जिससे उनके माइंड्स में एक बर्डन सा क्रिएट हो जाता है, जो कि ना ऐसी सरगर्मियां करा के हम उनको उन चीज़ों से महसूस कराते हैं। आज जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है, बाकी आपको तमाम स्टूडेंट दिखाते हैं। वालेकुम सलाम। आज की गेम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति, और हमारे पास दो माहिरीन बैठे हुए जनाब हुसैन अली साहब और साथ उस्मान अली साहब, और हमारे पास दो मेहमान आएंगे, एक फरहान अली साहब, तालियां। और साथ में उनके साथ होंगे शाहवीर ताबिश साहब, जोरदार तालियों साथ। चौथा सवाल किया जाता है, ये सवाल है आपका 2 करोड़ का। ये टाइम मुश्किल सवाल आपके लिए कि जब बारिश होता है तो पानी क्यों आता है, ये किस फिलासफर की थ्योरी है? ऑप्शन ए जाबर बिन यार, ऑप्शन बी अबू अली सीना, ऑप्शन सी जाफर इश्तियाक, ऑप्शन डी डॉक्टर रफी साहब। तो आपका जवाब गलत है। आपका छठा सवाल है, तो आप 3 करोड़ भी आ चुके हैं। ईजी था यार, बहुत ईजी था सर जी। वीडियो
गुड हो गया लिखे मामला से अनजान को न था इस घर रोटी खोल दी है।
अभी तमाम सीन्स आपको दिखाते हैं। फाइन जानी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैर हो। इंशाल्लाह आप आगाज करें, इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो गया है। देखो ना ये वाम तोड़ का पैग, ये इतना खादा नहीं जितना थला डोलिया ने। अच्छा नाजरीन, ये मेरा क्लास फेलो फादर रशीद। फादर रशीद भाई क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आप कहना यही चाहेंगे, आज इवेंट था हमारा कॉलेज का, आज हमारी फेयरवेल थी और बहुत इंजॉय किया। आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो बहुत सारे खाने भी खाए और इंजॉय किया दोस्तों के साथ, बस यही। अच्छा नाजरीन, ये हमारे साथ सर नासिर साहब, खान साहब और सर जैन साहब। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, और आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? देखिए इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं बच्चों में एक तरह की सलाहियतें उजागर करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते हैं, और इसके अलावा हम सारा साल उन्हें पढ़ाते रहते हैं कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे महजूज हो सकें। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो बच्चों को हम एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जिससे वो महजूज भी हों और उनकी जो कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस स्किल है वो जो है सामने लाएँ हम इस फंक्शन के थ्रू, इस फेस्टिवल के थ्रू। तो हमने अपना बेस्ट किया है, तो आगे देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमें किस तरह रिटर्न करते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट भी हम आने वाले फेस्टिवल्स में, जो इसमें थोड़ी सी हमारे पास रह गई हैं कुछ वीकनेस रही है, जैसे हमने टाइम थोड़ा कम रखा है, नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको हम बेटर बनाएंगे। शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इवेंट के बारे में? आप देखें, हमने ये इवेंट जो है वो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेस कॉलेज ऑफ साइंसेज की जानिब से ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत अच्छा इकदाम है कॉलेज वालों की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट जो है ना पढ़ पढ़ के वो उनके माइंड्स पे एक बर्डन सा क्रिएट हो जाता है, जो कि ना ऐसी सरगर्मियां करा के हम उनको उन चीज़ों से महसूस कराते हैं ताकि वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। और आपको पता है कि कायनात में हर चीज़ जो है इसके बनाने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ना कोई जो है मकसद बनाया है, इसके पीछे जो कोई ना कोई रीज़न है। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, ये पढ़ना, ये हर एक चीज़ के पीछे मकासद छुपे हैं। आज का प्रोग्राम भी जो हमने करवाया है वो उसके पीछे बहुत सारे मकासद थे, तो हमने तो अपनी तरफ से वो पूरी तकरीबन कोशिश की है कि सही तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए और स्टूडेंट को महसूस किया जाए जो कहते थे, जो हमारे गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, ताकि हम उनको इस जो आज का फंक्शन था इसके ज़रिए हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सर जी, जजाकल्लाह। ओके सर, बहुत शुक्रिया। तो आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, जी अमान अल्लाह।